नमस्कार भाइयों। तो भाइयों आज 50-50 ई ट्रैक्टर की वीडियो लेकर आए हैं और 8 फीट का लैंड फोर्स का रोटावेटर है। रोटावेटर में गरारी हैं 20-15 की, जो 15-20 का सेट है वो उल्टा करके डाला हुआ है। 20-15 के सेट पर चल रहा है, देख सकते हो, और 20-15 के सेट पर बहुत ज़्यादा चक्कर हो जाते हैं ट्रैक्टर के। भाइयों रोटावेटर में 20-15 की गरारी है, आप सामने देख सकते हो, पीटीओ बिल्कुल आराम से घूम रही है, लेकिन नीचे आप चक्कर देखो रोटावेटर के, देख सकते हो मिट्टी कहाँ तक फेंक रहा है, और प्योर पक्की जमीन है बिल्कुल, देख सकते हो आप। देख सकते हो भाइयों जुती हुई जमीन में आते ही तो काफी गहराई लेके चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई ये जो जॉन डियर के जो मॉडल है ये 50-50, ये 2400 रेटेड आरपीएम वाला ट्रैक्टर है। ये जो बाद में मॉडल निकाले हैं ये 2100 रेटेड आरपीएम वाले, ये अपने आरपीएम 540 2400 आरपीएम पर पूरे करता है ट्रैक्टर। अब वाले जो ट्रैक्टर हैं वो 2100 रेटेड आरपीएम वाले ट्रैक्टर आते हैं, और उनमें जो इनसे थोड़े से आरपीएम ज़्यादा हैं, कि मान के चलो अगर ये ट्रैक्टर 17-18 की गरारी पर चलता है तो वो 16-19 की पर चलेगा, चलाने को उन पर भी 17-18 की गरारी पर चल जाता है वो। भाई ये देख सकते हो आरपीएम चेक करो और गहराई, ये गहराई है। भाई हमने आपको आरपीएम दिखाए हैं और ये ट्रैक्टर चल रहा है 1700-1800 आरपीएम के ऊपर, और 100 आरपीएम ड्रॉप करके चल रहा है। और भाई ये बिल्कुल पक्की जमीन है, देख सकते हो इतने आरपीएम है, जब इस तरह का भान कर रहा है, यानी इस तरह की जमीन में इस तरह की जुताई नहीं हो सकती, चक्कर ज्यादा है इसी वजह से इस तरह की जुताई ट्रैक्टर कर रहा है। ये गौरव भाई का है ट्रैक्टर, ये 53-10 के लिए भी कहते हैं कि वो भी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। भाइयों देख सकते हो आप गहराई चेक करो रोटावेटर की, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और लगभग 4 इंच की जुताई करके चल रहा है ट्रैक्टर। किसी तरह की धड़कन वगैरह नहीं है रोटावेटर के अंदर, लैंड फोर्स का रोटावेटर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि धड़कन एक तो रोटावेटर के बैलेंस के ऊपर डिपेंड करती है किस तरह से कंपनी ने डिज़ाइन करा है, और दूसरा भाइयों रोटावेटर के वेट के ऊपर भी डिपेंड रहता है, बाकी रोटावेटर में इसमें वेट की कोई कमी नहीं है। आज हमने आपको 50-50 ई ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस की वीडियो दिखाई है लैंड फोर्स के रोटावेटर पर। तो भाइयों कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जॉन डियर के आरपीएम कम है, इस वजह से पीटीओ पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाता है। अब आप बताइए 20-15 की करा रही हैं, अब तो आरपीएम रोटावेटर के कम नहीं है, मान के चलो ट्रैक्टर के कम है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन रोटावेटर के अब तो फिलहाल आरपीएम कम नहीं है, आप परफॉर्मेंस चेक करो ट्रैक्टर की, 50 HP 8 फीट का रोटावेटर और चक्कर कितने ज़्यादा हैं 20-15 की गरारी के ऊपर चल रहा है, और प्रदर्शन आपके सामने है आँखों के, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं है। पहली बार में 4 या 3.5 इंच की गहराई कम नहीं होती इतने चक्करों पर, ये मामूली बात नहीं है। अगर किसी भाई के मन में किसी भी तरह की शंका है तो आप अपने ट्रैक्टर में इतने आरपीएम करके चला के देख सकते हो। तो भाइयों अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, तो भाइयों आज हमने आपको 50-50 ई ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस दिखाई है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, धन्यवाद।